विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जय हो प्रभु टोटा गोपीनाथ। पिताजी पिता पिताजी मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। गदाधर पुजारी जी के मुख से आरती सुनकर अद्भुत आनंद आ जाता है। उनकी आरती का सुख अतुलनीय है। ऐसा अपूर्व आनंद और कहीं नहीं आता। गदाधर जी द्वारा प्रभु की आरती का आनंद तो आज मुझे भी मिलेगा। सभी को गदाधर जी की आरती का आनंद आता है, आज ये आनंद आपको भी आएगा। माला अब प्रभु के लिए लाए हो ना? हाँ, आप तो ये प्रभु के चरणों में भी चढ़ा देंगे तो मुझे स्वीकार है। नहीं नहीं, ये माला तो प्रभु के कंठ को शोभा देगी। हाँ ला। प्रभु, मैंने प्रारंभ से ही आपकी पूजा सेवा की है। सदा प्रयास किया है कि आपकी पूजा सेवा में कोई त्रुटि ना रहे, कोई कमी ना रहे। देखिए, अब मैं आपकी पूजा सेवा में
अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। कोई भी कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, ना ही ठीक से आपकी आरती कर पाया। इस माला से आपके कंठ को सुसज्जित नहीं कर पाया प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं असमर्थ हो चुका हूँ प्रभु, ठीक से पूजा नहीं कर। प्रभुदास जी, आपने उचित कहा था कि अब मेरे जीवन में विश्राम का समय हो गया है। आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दें। मैं तो चाहता था कि मैं अपने प्राणांत तक प्रभु की सेवा पूजा करता रहूं, लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं असमर्थ हो चुका हूं, मुझ में क्षमता नहीं रही प्रभु सेवा की। मैंने कहा था गदाधर जी कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है, कदाचित प्रभु की यही इच्छा है। नहीं नहीं प्रभु दास जी, पूजा अपूर्ण छोड़ने से सुख नहीं मिलता। हाँ, पूजा आधी अधूरी छोड़ने से तो अच्छा है कि मैं अपना दायित्व अपने बेटे मुरलीधर को सौंप दूं। इसीलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार कल सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। और इसके बाद मेरे पुत्र मुरलीधर इस मंदिर के पुजारी होंगे। कल एक अंतिम बार अपनी सेवा की अनुमति दीजिए प्रभु गोपीनाथ। हे प्रभु जगन्नाथ, मेरी पत्नी ने कहा था कि एक बार जगन्नाथ जी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं, तो फिर वो गदाधर जी का हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? अपने ऐसे भक्त का हाथ छोड़कर वो उसे जाने दे सकते हैं तो वो भला मेरा हाथ थामने क्यों आएंगे? प्रभु गजानन, आपने तो कहा था कि जो होने वाला है उससे माधवदास का विश्वास बढ़ेगा, किंतु यहां जो हुआ उससे माधवदास का विश्वास तो कम होता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है पुष्पदंत जी, क्योंकि अभी प्रभु की लीला पूर्ण रूप से उजागर कहां हुई थी। तो फिर अब क्या होने वाला था गजानन? माधव दास ने भक्त के लिए प्रभु का लंबी यात्रा करना देखा था, किंतु अब माधव दास को अपने भक्त के लिए प्रभु का झुकना देखना था। जया मौसी, भगवान से जुड़कर ही भक्त की पहचान है, भगवान की सेवा ही उसका एकमात्र गुण है। भक्त को अपने प्रभु से उनकी सेवा से वंचित होना पड़े तो भक्त की पीड़ा असहनीय हो जाती है। गदाधर भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। प्रभु, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति मेरा प्राण वायु है, और मुझे विश्वास था कि यह प्राण वायु मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ प्रभु, आप भी नहीं समझ में आता प्रभु, इसके बिना मैं कैसे जाऊं? प्रभु, मुरझाते हुए फूल की सुगंध मर जाती है, और इसी प्रकार मेरी अक्षमता के कारण आपके प्रति मेरी भक्ति मेरे जीवन का कार्य भी मैं हो चुका हूँ प्रभु। कितने दुखी हैं गदाधर जी, प्रभु इनकी सहायता क्यों नहीं करते? पिताजी, मैं हूं ना,
मैं करूंगा प्रभु सेवा में आपकी सहायता। आप सही कहते थे, प्रभु की भक्ति में आपका पूरा जीवन निछावर है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका ये महान गुण आपसे कोई दूर नहीं कर सकता पिताजी, क्योंकि प्रभु से दूर होकर आपका ये अपार कष्ट हमसे देखा नहीं जाएगा। न योग्यत हर्यम हर्यम पश्यते गुणम, न योग्यत हर्यम हर्यम पश्यते गुणम। अर्थात जो गुण कुछ अच्छा करने की योग्यता हर ले, वो गुण गुण नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा सेवा करने की योग्यता खो चुका हूं। मैं ये माला मेरी अक्षमता का प्रमाण है। नहीं भक्त गदाधर, भक्ति का अमृत जिसके हृदय में बहता हो वो भला गुणहीन कैसे हो सकता है। तुम्हारा अटूट सेवा भाव, तुम्हारी अद्भुत भक्ति, तुम्हारे अति श्रेष्ठ गुण हैं, क्योंकि आयु समाप्त हो सकती है, भक्ति भाव नहीं। पुष्प मुरझाने के बाद भी अपना रंग नहीं खोती। भक्ति के इस परम गुण से मैं तो क्या, तुम भी स्वयं को दूर नहीं कर सकते भक्त दादा, दूर नहीं कर सकते भक्त दादा, दूर नहीं कर सकते प्रभु। क्षमा करे प्रभु, जो उचित है वो मुझे करना ही पड़ेगा। अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, यदि मैं यहाँ रुका और पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। हाँ प्रभु, क्षमा कर तू मुझे। भक्त गदाधर, यह अंतिम अवसर था जब तुम मेरे टोटा गोपीनाथ मंदिर में मेरे खड़े स्वरूप के दर्शन कर सकते थे। गदाधर पुजारी जी तो अगले दिन भी प्रभु की सेवा के लिए आने वाले थे ना? क्या ये नहीं होने वाला था? क्या प्रभु उन्हें अंतिम पूजा की अनुमति नहीं देने वाले थे? बताइए ना प्रभु, क्या प्रभु जगन्नाथ जी के मन में कुछ और था? भगवान के हृदय की थाह पाना इतना सरल नहीं होता पुष्पदंत जी। सागर की अतल गहराइयों में उतर कर मोती चुन लेने से भी अधिक जटिल है ये। प्रभु के मन में जो था वो किसी को भी ज्ञात नहीं था, ना भक्त माधव दास को और ना ही भक्त गदाधर को। प्रणाम पिताजी। Thank you.
बेटा जी भोजन कीजिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पिताजी को भोजन कितना प्रिय है, भूखा रहना उनके लिए बहुत कठिन होगा, फिर वो भूख कैसे सह सकेंगे? इसका केवल एक ही अर्थ है, प्रभु की सेवा से दूर रहना उनके लिए बहुत कठिन है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। भक्ति भाव से उनका पूजा और मनन कीजिए, फिर देखिए कैसे प्रभु दौड़े चले आएंगे आपको दर्शन देने। आप तो अनंत है प्रभु, आपको पूर्ण रूप से भला कौन जान पाया है, किंतु आज तक जितना मैंने आपको जाना है, यदि वो सत्य है तो आप तो केवल भक्ति भाव के ही भूखे हैं। तो प्रभु मेरी इस भक्ति भाव से की गई पूजा को स्वीकार कीजिए। अब चिंता ना करें प्रभु, आज ही पूजा कर मैं आपसे अपना हाथ थामने के लिए नहीं कहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं असमर्थ हो चुका हूँ प्रभु, ठीक से पूजा नहीं। आज तो ये पूजा गदाधर पुजारी जी के लिए है। आपसे विनती है प्रभु, कुछ चमत्कार कीजिए। जैसे जल बिन मिन नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना गदाधर जी नहीं रह पाएंगे प्रभु। मन तो कर रहा है पिताजी को शांत कराने का, किंतु उन्हीं का आदेश है उन्हें अकेला छोड़ने का, उनके आदेश का तो उल्लंघन भी नहीं कर सकता। किंतु पिताजी को मैं इस प्रकार कष्ट में नहीं देख सकती स्वामी। प्रभु मेरी अर्धांगिनी ने मुझसे जो कहा था, भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना। यदि वो सत्य है तो आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। प्रभु आपने ही कहा था कि कभी उदास मत होना, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ, सामने नहीं तो आस पास हूँ। आंखें बंद करो और अपने हृदय से याद करो, मैं और कोई नहीं, मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास हूँ। तो प्रभु मेरा जो विश्वास आपके परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी, निश्चल बेला और अन्य सभी भक्तों की कथा सुनकर हुआ है, वो विश्वास टूटने ना पाए प्रभु, विश्वास टूटने ना पाए प्रभु। सदा अपने भक्तों के विश्वास में वास करने वाले प्रभु, आज गदाधर जी की सहायता भी कीजिए। कृपा करें प्रभु, आज गदाधर जी की सहायता कीजिए। आज गदाधर जी की सहायता कीजिए। गदाधर जी की सहायता कीजिए। सेवा में मैंने कोई त्रुटि नहीं की।
प्रभु मेरे इस भक्ति भाव को स्वीकार करिए, प्रमाणित कर दीजिए कि एक बार अपने भक्त का हाथ थामने के बाद आप उसे कभी नहीं छोड़ते, सदा अपने भक्त के साथ रहते हैं। तुम कब आए? अभी। कदाचित तुम्हारा भक्ति भाव ही मुझे यहाँ खींच कर लाया, और कोई भला कैसे ना खींचा चला आता। तुमने अपनी भक्ति में अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाकर उन्हें चढ़ाए हैं, मेरे साथ बांटने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना सखा? नहीं नहीं सखा, तुम्हें तो अवश्य खिलाऊंगा, ये लो। केवल एक लड्डू? एक लड्डू से मेरा क्या होगा? ये जो शेष लड्डू है ये किसके लिए रखे हैं तुमने? पूछे थे, कह रहे थे तुम जख भला इन्हें रखकर मैं क्या करूंगा? प्रभु जगन्नाथ जी थोड़ी ना आने वाले हैं बैठकर मेरे साथ लड्डू खाने। वैसे भी आज मैं इनसे अपने लिए कुछ मांग भी नहीं रहा हूं, नहीं आना है मेरे पास तो ना आए, किंतु आज बस इतना कर दे कि वो पुजारी गदाधर जी की सहायता कर दे। लोक प्रत्याय सारा है महताम प्रभु विष्णुता, भक्तों का विश्वास ही संसार में परमात्मा के महत्व को उजागर करता है, इसलिए भक्तों की भक्ति परमात्मा की शक्ति का आधार है। सखा बातों बातों में तो तुम सारे लड्डू खा गए, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। अब सखा मुझे तो लगा कि ये सब तुमने मुझे दे दिए थे। कोई बात नहीं, सखा ने खाया तो समझो मैंने भी खा लिया। प्रभु प्रभु कहाँ गए? ओ तुम्हें स्वप्न दिख रहा था। बिना कुछ खाए ही मेरा पेट भरा भरा सा क्यों लग रहा है? तो ये कारण था प्रभु की लीला का, अपने भूखे न रहने वाले भक्त गदाधर को वो कभी भूखा नहीं देख सकते। कदाचित कान्हा की इस लीला का प्रयोजन इससे भी बड़ा है, ये कुछ समय बाद ज्ञात हो जाएगा। मुझे तो लगता है या तो कोई चमत्कार होने वाला है या संभव है हो भी चुका है। सूर्योदय हो रहा है,
आज अंतिम बार मैं प्रभु की सेवा उचित प्रकार से कर सकूं, बस इतना ही चाहता हूं। मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से गिर रहा है। सूर्योदय इतने शीघ्र हो जाएगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। थोड़ा और समय मिलता तो कदाचित मैं अपने मन को तैयार कर सकता प्रभु। किंतु जाने से पहले मैं तुमसे यह ज्ञात करना चाहता हूं, तुम्हें अपने प्रभु पर कितना विश्वास है? तुम ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हो सखा? क्योंकि सखा, मैं तुमसे स्पष्ट उत्तर सुनना चाहता हूं। सत्य कहूं तो मेरे हृदय और मस्तिष्क में एक द्वंद्व चल रहा है। हृदय जानता है कि प्रभु जगन्नाथ जी करुणा के सागर है, किंतु मस्तिष्क कहता है कि उन्हें लेकर आज तक जो भी मैंने सुना वो केवल कथाएं थी और कुछ नहीं। तो फिर सूर्योदय का प्रकाश हर छाया को दूर करता है, तो क्या आज मेरी मस्तिष्क पर छाई ये छाया हट जाएगी? क्या होगा आज? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर गदाधर जी को उनकी भक्ति का पुरस्कार देंगे या नहीं? तो अब तुम ही बताओ सखा, मैं करूं तो क्या करूं? मेरे या किसी और के कहने पर नहीं, अपनी उलझन स्वयं सुलझाना ही समझदारी। फिर ना कोई शंका रहेगी और ना ही कोई द्वंद्व। अपनी आस्था को आधार बनाकर तुम जो भी निर्णय लोगे वो तुम्हारे विश्वास को और अटल बना देगा। अब मुझे जाना होगा सखा। किंतु बस ये स्मरण कराना चाहता, भक्तों के विश्वास से भगवान है, भगवान से भक्तों का विश्वास है। भक्तों के विश्वास से भगवान है, भगवान से भक्तों का विश्वास है। सखा काना ने उचित ही तो कहा, आज तक मेरा विश्वास दूसरों के शब्दों पर ही आधारित था। अपने पत्नी की कथन पर, अन्य भक्तों की कथाओं पर, दूसरों के शब्दों को ही मैंने अपनी भक्ति का आधार बना लिया और आज तक यहां टिका रहा। किंतु अब अपने प्रभु से जुड़ने के लिए, उन्हें वास्तव में पाने के लिए मुझे अपने आप को टटोलना होगा, मुझे ढूंढना होगा अपने अपने विश्वास को। प्रभु, मैं आपके परम भक्त को दुखी नहीं देख सकता, उनकी आस टूटना नहीं सह सकता, इसलिए अब मुझे मंदिर तभी जाना होगा जब मुझे अपने प्रभु जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास हो कि वो अपने भक्त गदाधर जी को स्वयं से दूर नहीं होने देंगे। मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है, मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। विश्वास से ही हर संबंध स्थिर है, चाहे वो भक्ति का हो या भाव का। आज मंदिर में अंतिम बार मंदिर की सीढ़िया मैं स्वयं ही चढ़ूंगा। जब भक्ति अपने चरम से आगे बढ़ जाए तब भगवान और भक्त के हृदय और इच्छा एक हो जाते हैं। विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं